जिला के बुरुरी डैम में आज अपराह्न 3 बजे नहाने के क्रम में लालडी का एक युवक डूब गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की मदद से शव को ढूंढने में काफी प्रयास किए, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। अनंता शाम ढलने के कारण कल प्रातः फिर खोजने की प्रक्रिया की जाएगी। ना ठीक जगह डूब गए। कोरोना वायरस COVID-19 संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के निर्णय के बाद प्रवासी मजदूर, पर्यटक, श्रद्धालु एवं छात्र छात्राएं अपने प्रदेश लौटने लगे हैं। कोटा से छात्रों को लेकर रांची के हटिया स्टेशन पहुंचे ट्रेन में पूर्वी सिंहभूम जिले के भी बच्चे शामिल थे, जिनका पाडी, चेकनाका, जमशेदपुर पहुंचने पर आवश्यक चिकित्सीय जांच की गई। छात्र छात्राओं को रांची से जमशेदपुर लाने के लिए 10 बसों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वे लाए गए। सभी बसों को रांची से रवानगी से पहले सैनिटाइज भी कराया गया। बच्चों के आगमन को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, इसकी पुख्ता तैयारी पूर्व में ही कर ली गई थी। बच्चों के पहुंचते ही उनके स्वाब का सैंपल कलेक्शन किया गया। सभी बच्चों के नाम, पता, मोबाइल नंबर भी दर्ज किए गए। जमशेदपुर उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला एवं SSP एम तमिलवाना ने बच्चों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना और होम क्वारंटाइन में रहने के बाबत आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से होम क्वारंटाइन में रहने वाले सभी बच्चों पर निगरानी रखी जाएगी। आप सभी से अपील भी है कि अगले 28 दिनों तक स्वयं तथा अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए क्वारंटाइन में रहना सुनिश्चित करें। SSP द्वारा भी सभी बच्चों को होम क्वारंटाइन के नियमों के अच्छे अनुपालन की बात कही तथा किसी भी प्रकार की समस्या आने पर जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 9431301355 या 0657244011 अथवा 8987510050 व्हाट्सएप उपलब्ध कराते हुए संपर्क करने की बात कही गई। मौके पर सभी बच्चों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया गया। जिला प्रशासन द्वारा पाडी चेकनाका पर आवश्यक कार्रवाई के पश्चात सभी बच्चों को दंडाधिकारी की निगरानी में उनके निवास स्थान तक पहुंचाया गया। रविवार को धनबाद के पुराना बाजार, रेलवे फाटक तथा आसपास के इलाकों में छात्र नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता सफल कश्यप एवं उनके सक्रिय कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के समस्त सरकारी दिशा निर्देश तथा शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए आज दोपहर जरूरतमंद तथा असहाय गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया। इस मौके पर सफल कश्यप ने बताया कि लॉकडाउन के प्रथम चरण से ही हुए पुराना बाजार, गांधी रोड, तेतुल लता एवं अन्य क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को राशन एवं तैयार किया हुआ भोजन, मास्क तथा अन्य जरूरी सामग्री नियमित वितरित करते आ रहे हैं। इस मौके पर मुकेश कुमार कुशवाहा, राजेश दास, सतीश रजक, दीपू मुन्ना, जय कश्यप, देवेश सिंह समेत काफी संख्या में लोगों की भूमिका सराहनीय है। धनबाद से चंदन पाल की रिपोर्ट। आज हम लोग धनबाद स्टेशन के पास अपने मित्र एवं बड़े भाई के सहयोग से जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है और जहाँ जहाँ जरूरतमंद है वहाँ हम लोग चिन्हित करके भोजन कराने का व्यवस्था करा रहे हैं। और सरकार द्वारा निर्देश अनुसार जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोग इसी तरह सेवा करते रहेंगे जरूरतमंद। आज पहला बार कार्यक्रम कर रहे हैं कि पहले भी किए? हम लोग शुरू से कार्यक्रम हम लोग का चलता रहा है। अभी तीसरा लॉकडाउन है, क्या उसमें भी सेवा करेंगे आप? जी हाँ, जब तक सरकार का निर्देश अनुसार सेवा का पालन करेंगे। अपना पूरा परिचय दीजिए। सपन कश्यप, वार्ड नंबर 31, पूर्व छात्र नेता, गुरु नानक कॉलेज। कुल्हान में आदिवासी समुदाय द्वारा प्रति वर्ष बैसाख माह में दलमा विशु सेंद्रा पर्व मनाया जाता है। दलमा विशु सेंद्रा के समय
हजारों की संख्या में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा कुल्हान के आदिवासी समुदाय के युवा वर्ग दलमा पहुंचकर आदिवासी परंपरागत पूजा पाठ कर दलमा के पहाड़ियों में रात भर शिकार। परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर आदिवासी समुदाय ने इस वर्ष दलमा विशु सेंद्रा पर्व में परंपरागत सेंद्रा पूजा करने का निर्णय लिया है। इस दौरान दलमा में जंगली जानवरों का शिकार नहीं करेंगे, जिसको लेकर आदिवासी संगठन ने वन विभाग को ज्ञापन सौंपा और जानकारी दी। दलमा विश्रामागर पिंडरा बेड़ा में संजय कुमार सुमन CCF के अध्यक्षता में 4 मई की तैयारी की गई। बैठक में 3 जोन के फॉरेस्टर के साथ बैठक किया गया। बैठक में CCF ने सभी वन कर्मी को सोशल डिस्टेंस के साथ कुल 50 कर्मी को तैनात करने का निर्णय लिया। वहीं आदिवासी समुदाय के संगठन के निर्णय को तारीफ काबिल बताया है कि इस बार दलमा में सेंद्रा शिकार नहीं किया जा रहा है। वर्ष जो ये विश्व शिकार है, इसमें हम लोग शुक्रगुजार हैं आदिवासी समाज के, जिन्होंने हम लोग के रिक्वेस्ट पर और ये जो वैश्विक महामारी COVID-19 है, कोरोना, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने एक अपील भी किया है और उन्होंने कमिट किया, हम लोगों से लिख के भी दिया है और उन्होंने आज के अखबार में भी दिया है कि वो इस बार सांकेतिक रूप से पूजा करेंगे। विश्व शिकार जो वास्तव में बड़े पैमाने पर वो लोग करते रहे हैं, इस बार वो नहीं किया जाएगा। आदिवासी समाज के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वाइल्ड लाइफ पूरे विंग की ओर से हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। फिर भी चूंकि इसके पहले पेपर में ये आया हुआ था कि 4 तारीख को विश्व शिकार होगा, तो जस्ट प्रिवेंटिव मेजर के लिए एहतियात के तौर पर हम लोगों ने जो लोकल 3 डिविजन्स हैं, जमशेदपुर, सोशल फॉरेस्ट्री और सरायकेला, हमारे डिवीजन को छोड़कर जो दलमा है, ये 3-4 डिवीजन के स्टाफ को, मिनिमम स्टाफ को, जिससे कि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, सब लोगों को हम लोगों ने वो समझाया हुआ है कि जितना कोरोना का ये लेना है, सुरक्षात्मक उपाय सारा करना है, सभी को सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, सारा चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि विश्व शिकार कम से कम हो। शिकार तो हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे, संभवतः इस बार सब अच्छे से हो जाएगा। इसमें तो एक संगठन ने आपसे हमें को जो है नहीं करने की बात नहीं, दोनों संगठन ने कहा, दोनों संगठन ने ये हम लोग से लिख के भी दिया है और बातें भी उनसे हुई हैं और दोनों संगठन ने कहा है कि हम लोग सांकेतिक रूप से करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अली ओपी अंतर्गत केंदा डीक में पोस्ट ऑफिस के करीब 200 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में अज्ञात मोटरसाइकिल मिलने से हड़कंप मच गई। क्या है कि कपाली पोस्ट ऑफिस का 200 मीटर डिस्टेंस पे झाड़ी पे एक बाइक हीरो स्प्लेंडर गिरा हुआ था रात से ही। हो सकता कि अज्ञात अपराधी लोग लेके जा रहा था, तेल खत्म हो गया तो छोड़ के भाग गया होगा, और कोरोना को लेके काफ़ी भयभीत है आदमी लोग, कोई टच नहीं करना चाह रहा बाइक को। थाना प्रभारी को सूचना दे दिया गया है, देखिए अभी थाना प्रभारी लोग क्या कहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि बाइक कोई चोरी करके ला रहा है कि किस तरह से कुछ? ये तो समझ में नहीं आ रहा, बाइक कोरोना का संदेह से कोई छू नहीं रहा, टच नहीं कर रहा, हो सकता है कि पेट्रोल खत्म हो गया, तो हमको लग रहा है कि इसमें चोरी का भी संदेह हो सकता है। आगे पीछे नंबर नहीं है, हीरो स्प्लेंडर गाड़ी है। क्या नाम है आपका? घनश्याम कुंभकर। कपाली के डंगराडी बस्ती में सामुदायिक मैरिज हॉल को क्वारंटाइन सेंटर बनाने से बस्ती वासियों ने काफी नाराजगी व्यक्त की है और इसका विरोध किया। बस्ती के सभी लोग मिलकर सामुदायिक मैरिज हॉल तक पहुंचने वाले सभी रास्ते को बांस से घेराबंदी कर दिए और कहा कि किसी को भी यहां आने नहीं दिया जाएगा। वहीं बस्ती के मोहम्मद हदीस ने बताया कि यह मैरिज हॉल बस्ती के बीचों बीच है और सभी बस्ती वालों के लिए पानी पीने का स्रोत भी इसी जगह से है। जो सामुदायिक भवन है 16 नंबर वार्ड में, जो मैरिज हॉल भी है, वहाँ पर क्वारंटाइन के लिए मतलब बोले हैं हम लोग करने के लिए, तो यहाँ पर पब्लिक पूरा विरोध में है क्योंकि सब पब्लिक बोल यहाँ पर करने नहीं देंगे और इसीलिए यहाँ पर सब आए हुए हैं, सब के खिलाफ है और मैं भी साथ में हूँ। आप लोग थाना गए थे, थाना से क्या आश्वासन मिला? थाना से तो अभी तो कुछ आया नहीं खबर है, वो लोग बोले ठीक है बात करते हैं ऊपर में, देखते हैं क्या होता है। कितने बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है? 10 बेड का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी उराम। ये जो है गांव के अंदर में क्वारंटाइन सेंटर जो ये बना दिए हैं, तो एकदम गांव के अंदर में है और इससे सटा हुआ पानी का स्रोत है जिससे कि पूरा गांव पानी पीता है
और यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि पानी 10 दिन 15 दिन आता ही नहीं है, तो यहाँ एकदम सटा हुआ, और इसमें अगर उसको रखते हैं तो उससे संक्रमण फैलने का जो है बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि अभी तो ऐसे ही लॉकडाउन में आदमी, हर आदमी भुखमरी से परेशान है, और इसको पूरा जो है और बीमारी अगर हो जाए तो फिर तो और मर जाएगा आदमी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ गाँव से निकाल करके और अदर्स जगह है वहाँ बाहर में इनको क्वारंटाइन करें, बस यही हम लोग की जो है अपील है। तो आगे की कार्रवाई आप लोग क्या करिएगा, अगर यहाँ अगर मैंने पेशेंट डाल दिया गया तो आप लोग क्या करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं, सब जो है पूरा जो है जनता से बढ़ के कुछ थोड़े है, जब पूरा गांव जब यहाँ पे रहेगा तो कैसे, ये तो जबरन ये हो जाएगा ना। मैंने इस क्वारंटाइन सेंटर का आप लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं? पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ थोड़ा सा घुमाइए, ये क्वारंटाइन सेंटर, ये छोटा सा स्पेस है, इसमें जो है यहाँ से निकले यहीं पानी का स्रोत है, पूरा गांव वाला यहाँ से पानी पीता है, तो उससे संक्रमण तो फैलेगा ही फैलेगा। हम चाहते हैं कि ये जब यहाँ पे कोई नहीं है, कोई ऐसा पेशेंट नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग थोड़ा मुक्त की एकदम चैन की सांस ले रहे हैं, उसके बाद और हम लोग जो है घरों में बंद हो जाएंगे, या तो आप हमारे घरों में जो है हर घर में जाकर के देखिए क्या हालात हैं। अच्छा, ये जो मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल के चारों तरफ अब बस्ती वाले की ओर से पूरा घेराबंदी कर दिया गया क्या? जी जी जी, यहाँ बाहरी आदमी का जो है आने का इसमें कोई ये नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हदीस हुआ। ठीक।